जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक की जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, जिसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। एक बुक है मेरे हाथ में, इस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक में ना परमहंस योगानंद जी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एक एक्सपीरियंस है जिसमें बता रहे हैं एक ऐसे योगी के बारे में जो एक टाइम पे अपनी बॉडी को दो जगह रख सकते हैं। एक है जो हवा में उड़ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे योगीज हैं इसके अंदर। एक नहीं दो नहीं, ऐसे बहुत सारे योगीज हैं जो आपका माइंड पढ़ सकते हैं। मतलब आपके माइंड के अंदर जा करके जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं वो पढ़ करके आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली कि ये आपके थॉट्स हैं। अजीब लग रहा है ये सब सुनने में, कितने लोगों को लग रहा है सच है, कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये तो इमेजिनेशन है और तो विश्वास नहीं हो रहा। सच बताऊं, अगर आज से 4 साल पीछे मैं भी चला जाऊं और मेरे को आकर के कोई इस बुक के बारे में बात करता है या इन सब चीज़ों के बारे में बात करता, मैं कहता बकवास है, मैं कहता सब झूठ है, कहानियां हैं। लेकिन आज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, किसी बुक के बेस पे नहीं जो मैंने पढ़ी, अपनी बॉडी और अपने माइंड के जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता वो सच है झूठ है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल है और उससे बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें पॉसिबल हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर ये कहानी आपको समझ आ गई तो आप किसी भी फील्ड में कितना भी आगे बढ़ सकते हो। एक मछली समुद्र में तैर रही थी, वो तैरते किसी रास्ते से कुएं में आ गई और आ करके वहाँ पे मेंढक को बोली कि तुझे पता है समुद्र कितना बड़ा होता है? तो जो मेंढक था उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता। मछली ने कहा बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक ने अपना हाथ किया ऐसे करके, कहता अच्छा इतना बड़ा होता है क्या? मेंढक उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा हाथ खोल दिया, कहता इतना बड़ा होता है? मछली कहती अरे नहीं नहीं इससे भी बहुत बड़ा होता है। उसने कहा अच्छा इतना बड़ा होता हो? उसने अपना और हाथ खोल दिया मेंढक ने, अरे नहीं भाई इससे भी बहुत बड़ा होता है, मैं तुझे कैसे समझाऊँ? अच्छा तो फिर इसका मतलब वहाँ से लेकर के वो जो दीवार दिख रही है कुएं की, जो एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ थी, वहाँ से लेकर के वहाँ तक इतना बड़ा होता होगा? उसने कहा नहीं नहीं इससे भी बड़ा होता है। और मेंढक बोला कि तू झूठ बोल रही है क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इस दीवार के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब मेंढक भी सच बोल रहा है और मछली भी सच बोल रही है। मेंढक को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को खोलना है और सिर्फ अज्यूम करना है कि शायद हो सकता है मछली झूठ बोल रही हो सकता है सच बोल रही हो, तब उसके चांसेस हैं उस समुद्र तक जाने के, नहीं तो वो जा ही नहीं सकता, वो जिंदगी भर कुएं में ही रहेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मान लो कि मैं कह रहा हूँ और ये सब सच है और ये सब पॉसिबल है, सिर्फ अज्यूम कर लो, सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये सब कुछ पॉसिबल है और मेरे जैसे और इनके जैसे लाखों लोग और हैं जो कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल है, तो मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर आप ये अज्यूम कर चुके हो कि हो सकता है ये सच हो, तो आप में और इन सब में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो है जिस वजह से ये कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे। मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना, एक वर्ड में बताना उस फर्क को। दो स्टूडेंट्स हैं एक ही क्लास में, एक ही स्कूल के अंदर। एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ता है दिन में 6 घंटे पूरे साल के लिए, दूसरा पढ़ता है सिर्फ 2 घंटे। जो 6 घंटे पढ़ता है साल के एंड में वो एग्ज़ाम देता है, दूसरा भी एग्ज़ाम देता है, जो 6 घंटे वाला है उसकी परसेंटेज आती है 70%, और जो 2 घंटे पढ़ता है उसकी परसेंटेज आती है 98%, और वो सिर्फ क्लास में नहीं पूरे स्कूल में टॉप करता है। ऐसे लोग हैं बहुत है, हर इंडस्ट्री में है, हर जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट की बात करें, किसी परफॉर्मर की बात करें, कॉमेडी नाइट्स कपिल देखते हो आप लोग? कपिल शर्मा में और जो हज़ारों स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उसमें क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब कपिल शर्मा ऐसा क्यों है कि लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस में ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ लेता है जो और लोग नहीं ढूंढ पाते? और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पा रहे। क्या कहानी, क्या फ़र्क? ऑब्जर्वेशन का फ़र्क है, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है, उसको पता है कि व्हाट ही वांट। हाँ, फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, हम बहुत पास पहुंच गए हैं। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्यों है? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ।
जैसे आपने दी अनबिलीवेबल पावर ऑफ बिलीफ वाला मेरा सेशन देखा है, उसमें मैंने कहा बिलीफ कहाँ से आएगा, नॉलेज और एक्सपीरियंस से। आज जो मैं बात कर रहा हूँ उससे भी एक स्टेप और आगे की कर रहा हूँ, कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस तो चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ दो लोग जिनके पास में सेम तरह की नॉलेज है, सेम तरह का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक है जो उस नॉलेज को बहुत तेजी से गेन कर पा रहा है और दूसरा है जो नहीं कर पा रहा है। अगर एक वर्ड में बोलना हो तो एक वर्ड क्या होगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन और इन सब से मिलता जुलता ही है, डिजायर, कन्विक्शन, 100% देना कि बस 0.99 का 0.001 भी नहीं छोड़ा है, बस यही है, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, इट्स जस्ट 100%। मगर ऐसा देखो ये चीज है ना, जो आप अभी बातें कर रहे हो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो चीजें हैं ये तो हम सबको पता है, लेकिन मैं अगर सीक्रेट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको मिस कर रहे हैं, देख करके भी हम मिस कर रहे हैं कि देखो अपनी तरफ से 100% तो सारे दे रहे हैं ना। अगर ओलंपिक्स में वो 10 लोग कम्पीट कर रहे हैं एक रेस के लिए जो अपनी अपनी कंट्री के बेस्ट हैं, तो अपनी तरफ से कौन होगा जो 100% नहीं देगा? देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए उसको कहेंगे अवेयरनेस। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए इन लोगों में क्या फर्क है, एक दूसरे से ज्यादा अवेयर है। अभिनव बिंद्रा, आप सबने नाम सुना होगा, जो गोल्ड मेडल जीते थे वहाँ पे ओलंपिक्स में, उनसे अगर आप जा करके पूछोगे कि क्या फ़र्क होता है जो आदमी गोल्ड जीतता है और जो सिल्वर जीतता है उसके अंदर, तो आई एम 100% श्योर वो यही बोलने वाले हैं कि उस टाइम पे जब वो कंपटीशन चल रहा होता है किसकी अवेयरनेस कितने ऊपर लेवल पे है उसका सारा खेल होता है। कि एक आदमी जब वहाँ पे निशाना लगाने वाला है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अगर उसका ध्यान उस डॉट से हल्का सा भी बटा या कटा तो वो गया, और अगर ध्यान बिल्कुल भी नहीं कटा और बिल्कुल भी नहीं हटा तो वो जीत गया, तो वो गोल्ड ले गया। मतलब कि उनका पूरा ध्यान उस टाइम पे अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो चुका होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके सिर्फ उस एक डॉट के अंदर आ जाता है। इस हद तक अवेयरनेस बढ़ जाती है, और बिना ऐसी अवेयरनेस के ये भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है जो इस बुक में बातें हो रही थी। अगर सिंपल वे में देखा जाए आप में, मुझ में, इन में, हम सब में क्या फ़र्क है, किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत ही ज़्यादा है। जिसका जितना ज़्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा है, वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाए, किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जब ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्यान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में कहीं किसी स्कूल में या कॉलेज में या हमारे घरों में इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही, जबकि वो बेस है। एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, सबको बोला जा रहा है उनके घर पे भी और वहाँ पे क्लास में भी, पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि ध्यान कैसे लगाएं? पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ध्यान एक यूथ का या हमारा भी सबका कितनी जगह भटका हुआ है, तो उसको एक जगह कैसे समेटें, ये अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है, और जिसको ये आर्ट और साइंस समझ आ गई वो कुछ भी कर सकता है। और उसको बढ़ाने के बाद में एक हाई लेवल पे जब आप पहुँचते हो तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपके हाथ में कंट्रोल होता है, आप जब चाहे, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब चाहे जितनी देर के लिए चाहे जिस चीज़ पे चाहे उस चीज़ पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते हैं, हटा करके कहीं और लगा सकते हैं। अब आपके हाथ में, आप एक मिनट रोको, एक घंटा रोको, एक दिन रोको, सोचो कि अगर ऐसा आप भी कर पाओ या और लोग भी कर पाए तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो कहेगा मुश्किल है या नामुमकिन, जो कहेगा कि नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो नहीं की जा सकती है? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। सो एक चीज समझ आती है कि इससे सब कुछ पॉसिबल है, तो अब सवाल यह है कि इसके बारे में फिर किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी बात क्यों नहीं हो रही? एनी आइडियाज, क्यों नहीं बात हो रही? हमारे घर पे इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? पेरेंट्स जो है वो बात क्यों नहीं कर रहे इसके बारे में? पता ही नहीं है कैसे करना,
पता ही नहीं है. आई थिंक एब्सोल्युटली बैंग ऑन. दे डोंट नो एब्सोल्युटली कि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जब वो स्कूल में थे उनसे भी किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी. तो जब उन्होंने नहीं सीखा, वो आगे किसको सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? हाँ, अवेयरनेस की अवेयरनेस ही नहीं है. अवेयरनेस की अवेयरनेस ही नहीं है. पुरानी एजुकेशन में था, जो गुरुकुल्स में होती थी वहाँ पे सिखाए जाते थे. एब्सोल्युटली राइट. अगर हम पुराने गुरुकुल की बात करें तो उस समय क्या होता था, एक गुरु शिष्य की जो परंपरा होती थी, शिष्य को अपना घर छोड़ना पड़ता था और आ करके वो गुरुकुल में रहता था. क्यों रहता था? ताकि उसका ध्यान भटके नहीं, 50 जगह ना जाए. उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु का सारा ध्यान एक ही चीज़ के ऊपर होता था कि किस तरीके से अपने शिष्य के ध्यान को बढ़ाया जाए, ना कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए. नॉलेज इज टेम्पररी. आज अपने स्कूल में जो चीज़ें सीखी उसमें से कितनी चीज़ें याद हैं, लेकिन सोचो अगर उस टाइम पे एक पीरियड ऐसा होता जहाँ से आपकी ध्यान की पावर्स को बढ़ा दिया जाता, आपकी अवेयरनेस को बढ़ा दिया जाता, तो आज आप जो चाहते वो सीख सकते थे. लेकिन ये किसी ने सिखाया नहीं, टेम्पररी नॉलेज देते चले गए. ऐसा नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में. लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि अगर 100% ध्यान आप वहाँ पर दे रहे हो तो 10% ध्यान यहाँ क्यों नहीं दे सकते? अब मज़े की बात बताता हूँ कि अब ये सुन करके आपको लग रहा होगा ये पता नहीं है कितना मुश्किल है क्या है, जबकि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है. सिर्फ लोगों को पता नहीं कि इसको करना कैसे है. और इसकी प्रैक्टिस आप 24 घंटे कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं. और इसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 3 लेवल्स पे काम करना होगा. आपके ऊपर है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस लेवल पे काम करना चाहते हो और कितना करना चाहते हो. सबसे पहला जो लेवल है वो है बॉडी का. बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका और अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट. आप पूरा दिन बैठे रहो और टीवी देखते रहो, पूरा दिन, शाम के टाइम देखना आपकी अवेयरनेस लेवल कैसी होगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति कैसी होगी. और आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी ना करो, कम भी ना करो, लेकिन एक्टिव रहो, उस समय आप देखना आपकी अवेयरनेस लेवल कैसी है. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो सबसे पहला क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर के आना पड़ेगा, उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी. अब वो कैसे लाना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले. तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या करोगे, बिकॉज इसके हज़ार तरीके हैं. मैं ये बता सकता हूँ 4-5 चीज़ें कि मैं क्या करता हूँ. सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूँ. ऑयल पुलिंग एक टेक्निक है जिसको आप गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हो. ये इंडिया से ही शुरू हुई थी, आयुर्वेदा से. अब पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में. ऑयल पुलिंग बहुत सिंपल है. सुबह उठ करके एक सेसमे ऑयल होता है, तिल का तेल होता है, उसको आपको अपने मुँह में रखना है उठते ही, बिना ब्रश किए, बिना कुछ किए, और 15 मिनट के लिए कुल्ला करते रहना है, और उसके बाद में थूक देना ले जा करके फ्लश में. उससे होगा क्या, उससे आपकी कम से कम हज़ारों बीमारियों में आपको फ़ायदा होगा. आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक डिटॉक्स हो जाता है. और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है अभी इस चीज़ से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ाने की, आपका आलस मर जाएगा, आलस गायब 15 मिनट के अंदर. प्रॉब्लम है क्या, जड़ क्या है? मेरा जो मकसद है इस सेशन को करने का वो ये नहीं है कि कुछ थियोरेटिकल बातें करके यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. जड़ क्या है कि जब सुबह उठते हैं तो अवेयरनेस लेवल इतना कम होता है हमारा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग रात को लेट सोते हैं, लेट सोए, थक करके सोए, उसके बाद में सुबह लेट उठ रहे हैं, तो अवेयरनेस लेवल गिरा हुआ है ना. उस टाइम पर किसी तरीके से अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है. वो कैसे बढ़ेगी? ऑयल पुलिंग इज़ अ वे आउट. आप वो करो, एकदम एक्टिव हो जाओगे, आपका आलस गायब, आंखों के अंदर जो नींद नींद सी आ रही होती है सुबह उठने के बाद में, बॉडी पूरी ढीली होती है. क्यों होती है? क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हुए होते हैं पूरी बॉडी के अंदर. वो टॉक्सिन्स गायब, पूरी की पूरी बॉडी क्लीन हुई, एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाएगा, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा. वो बढ़ते ही अब उसको यूज़ करना है. क्या करना है? इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करनी है. यही मैं करता हूँ, उठते ही सबसे पहले सुबह बेसिक स्ट्रेचिंग करी, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं. उससे बॉडी और एक्टिव में आई, अवेयरनेस लेवल और बढ़ी हमारी. उसके बाद में मैंने क्या किया हुआ, अपने घर में थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर लिए, एक रॉड लगवाई हुई है जिसके ऊपर थोड़े से चिनअप्स वगैरह कर लिए और ये सब कर लिया. उसके बाद में योगा कर लेता हूँ 20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं. मतलब ये नहीं कि एक घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है, कभी पार्क चला गया जॉगिंग करने के लिए. इन अदर वर्ड्स, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव करता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो नहीं कर पाऊँगा. ये जड़ है. मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूँ, वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है, और धीरे 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 दिन के एंड तक पहुँचते पहुँचते हम जा करके पड़ जाते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है. अगर सुबह ही आपने अपने आप को एक्टिव कर दिया तो काम हो गया.
दूसरा मैं क्या करता हूँ, कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करता, हमेशा सीढ़ियाँ यूज़ करता हूँ। चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे जाना है, 10वें पे जाना है, चाहे 20वें फ्लोर पे जाना है, हमेशा सीढ़ियों से जाऊँगा। सिंपल से आइडियाज़ हैं, सिंपल आइडियाज़ हैं जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करना चाहे तो। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो गई है, बजाय ये कि आप एक घंटा नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करो, अगर 5-5 मिनट की दिन में 10 बार करो, दैट इज़ मच मोर इफेक्टिव। बॉडी लिथार्जिक मोड में जा रही है, एक्शन दे दो। सो ये हो गया पहला लेवल, मतलब कि बॉडी के लेवल पे। अब आ जाते हैं दूसरे लेवल पे, वो है माइंड का लेवल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि माइंड के लेवल पे अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जो माइंड है हमारा वो बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि बॉडी की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब कुछ माइंड के हाथ में है, बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। माइंड के लेवल पे क्या करना है, बहुत सिंपल है। माइंड का क्या नेचर है, एक टाइम पे 10 जगह भागना है ना। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो बच्चे हैं, एक ही क्लास में है और एक 2 घंटे पढ़ता है, एक 6 घंटे पढ़ता है, दोनों में क्या फ़र्क है? एब्सोल्युटली वो पढ़ाई के, देखो कितना सिंपल है, कितना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि जो 2 घंटे पढ़ता है वो पढ़ने के टाइम पर सिर्फ पढ़ता है, और जो 8 घंटे पढ़ता है या 6 घंटे पढ़ता है वो पढ़ने के टाइम पर और बहुत कुछ करता है। सो सिंपल। मल्टीटास्किंग इज लाइक द ट्रेंड ऑफ टुडेज, यू नो, एडल्ट्स और चिल्ड्रन। हाँ, तो फिर उसको कैसे डील करेंगे बच्चे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मल्टीटास्किंग का मतलब तो ये है कि हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकें, लेकिन उस सेकंड में नहीं, उस एक मिनट में जब हम एक काम को कर रहे हैं तो उस टाइम पे उस काम को करें, एक मिनट बाद उस काम को छोड़ें, दूसरे काम को करें, दूसरे को छोड़ें, तीसरे को करें, तीसरे को छोड़ें, चौथे को करें। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ 4 कामों को करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑफिस में मैं 4 कामों को एक साथ करने की कोशिश करूँगा, कुछ लोग करते हैं कोशिश ऐसा काम करने की, वो पागल हो जाते हैं, वो बौखला जाते हैं, यार मेरे से नहीं हो रहा, काम बहुत सारा है, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मल्टीटास्किंग का मतलब ये निकाल रहे हैं कि एक साथ में 4 फाइलों को देखना है, अरे नहीं, ये एक साथ में दोनों हाथों से लिखना है, ये नहीं है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग है कि आपके पास में 10 काम आए, एक को किया हटाया, दूसरे को किया हटाया, तीसरे को किया हटाया, जब तीसरे को कर रहे हैं तो पहले और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, चौथे 5वें 6ठे 7वें के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ तीसरे के बारे में सोच रहे, दैट इज मल्टीटास्किंग। जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल कि आप जब चाहो अपने ध्यान को लगा सको और अपने ध्यान को हटा भी सको, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन लगाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बिजनेस में अपना ध्यान तो लगा लिया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन अब वो रात के टाइम अपनी फैमिली के साथ में बैठा हुआ है और उसके दिमाग में बिजनेस घूम रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, नींद नहीं आ रही, बिजनेस चल रहा है, मतलब आपका ध्यान वहां लग तो गया लेकिन वहां से हट नहीं पा रहा, कट नहीं पा रहा, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं, कभी किसी ने बात ही नहीं करी कि ध्यान को हटाना कैसे है। कॉन्सेंट्रेशन तक तो फिर भी बहुत लोग बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ाना है, मगर ध्यान जब एक बार पीक पे पहुंच जाए तो उसको हटाना कैसे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से अपने ध्यान को लगाता हूँ, बहुत सिंपल है। माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें, उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है। जहाँ आपकी सांसें बंद हुई, माइंड और बॉडी अलग अलग, बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी, उसमें कोई माइंड नहीं है। तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हो। आपको शुरू में टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप समझ गए, आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर चाहोगे कि ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा तो ऐसे नहीं होने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल सा। एक आप में से किसी ने मेरा वो देखा है, इल्यूजन टू रियलिटी वाला सेशन देखा है? उसमें मैंने बात करी थी 32 बार चबाने की। लोग इसी बात को पकड़ के बैठ गए कि इसका मतलब 32 बार चबाओ, वो कोशिश कर रहे हैं, एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर भूल गए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वो असली जड़ को समझे ही नहीं जो मैंने कहा था। ये सीक्रेट था उस वीडियो का, मतलब ये मेरे पास में टूल था अपने माइंड को कंट्रोल करने का, जो बहुत पावरफुल जानवर है। माइंड क्या है, एक बंदर के जैसा है, कभी इधर भागा, उधर भागा, उधर भागा। कभी नोट करके देखना, हमारा माइंड एक मिनट के अंदर अंदर कितनी जगह भाग जाता है, और कई बार ऐसी ऐसी जगह भागता है जिसका एक थॉट से दूसरे थॉट का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। अभी हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, एकदम से फैमिली के बारे में सोचने लग जाएंगे, एकदम से बच्चों की चिंता हो जाएगी, एकदम से हम पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, एकदम से हम 20 साल आगे चले जाएंगे, फिर हम 20 साल पीछे चले जाएंगे, कहीं का कहीं भाग रहे हैं, कहीं का कहीं भटक रहे हैं। तो इस बंदर को कंट्रोल करना है, विच इज़ वेरी पावरफुल। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक टूल चाहिए।
जिससे माइंड को हम लगाम दे सके। आज मैं टूल्स की बातें करने वाला हूं कि वो टूल्स क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज इटसेल्फ। नॉलेज तो आप एक मिनट में गूगल पे जाओ गेन कर लो, कैसे पतले होना है ऐसे आपको हजार फंडे मिल जाएंगे। उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, माइंड की आदतें कुछ और है, माइंड आपसे कुछ और करवाना चाहता है, वो आपसे 32 बार नहीं चबाना चाहता, आप 32 बार चबाना चाहते हो तो माइंड को अपने वश में करना है, कैसे करोगे? टूल। ध्यान लगाने के लिए एक टूल चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो टूल क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी सी सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर ले आओ। उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है, और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अपने ध्यान को कहाँ ले आए? सीढ़ियां चढ़ने। कितनी छोटी सी चीज़ लग रही है, और ये करना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर हम करना चाहें तो, अगर हम करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। टूल आपको उस टाइम पे क्या मिला? आपकी ब्रेथ। उसके अलावा जितने ज़्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उतना ही वो ध्यान बार बार जैसे ही भटकेगा वो वापस वहाँ पे ले आएंगे। वो टूल्स आपको याद दिलाएंगे, वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं? बैंड पहन सकते हो आप अपने हाथ में, सिंपल सा बैंड आप कहीं से भी खरीद सकते हो और इसको लेकर के अपने हाथ में पहन लो। ये बैंड क्या है? एक रिमाइंडर है टू कम बैक। जब भी आप इसको देखो तो एक रिमाइंडर है, बी अवेयर, एज सिंपल एज दैट। ये क्या है? ये रिमाइंडर है कि ध्यान को भाई खाने पे ले आ, ध्यान तेरा टीवी में जा रहा है, खाने पे ले आ। और नहीं भी चाहेंगे तो लगाना पड़ेगा ध्यान यहां पर इस टूल की वजह से, क्योंकि इस टूल में क्या है, अगर यहां पे ध्यान नहीं लगाया तो खाना कहां होगा? नीचे चला जाएगा। तो ध्यान लगाना पड़ जाएगा। जब तक हमारे पास टूल्स नहीं होंगे हम करना चाहेंगे लेकिन फिर भी कर नहीं पाएंगे। और क्या क्या टूल्स हो सकते हैं? इस तरह से लोग टैटू बनवाते हैं, तो एक सिंपल सा आइडिया है, आप टैटू बनवा सकते हो अपने हाथ। ये किस चीज का टैटू है? लाइट का टैटू है। इस तरह के प्रिंटआउट्स हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड सेक्शन में, जहां पे वॉलपेपर्स में जाके कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और प्रिंटआउट निकाल सकता है। ऐसे प्रिंटआउट ले लेकर के हम घर में चार जगह लगा सकते हैं। उससे क्या होगा? बार बार आपका, आप ये मान करके चलो कि माइंड तो भटकेगा ही, इन बातों को सुनने से कुछ नहीं होने वाला, सब बकवास है, वीडियो ये वो, ये सारी चीजें बकवास है जो आप देख रहे हो। जब तक इन चीजों को आप प्रैक्टिस में नहीं लेकर के आओगे, जैसे ही आप प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करोगे वो बंदर भागेगा, माइंड आपका इधर भागेगा उधर भागेगा, कहेगा अरे बेकार है छोड़ो, ये सब क्या करना है, बकवास है, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। क्या हुआ? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदलेगा, यही होगा, जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, अवेयरनेस लेवल नहीं बढ़ेगी अगर हमने कुछ नहीं किया तो। और मैं वही बता रहा हूँ कि करना कैसे है, उसके तरीके क्या है। इस प्रिंट आउट को हम जगह जगह लगा सकते हैं। इस प्रिंट आउट में क्या लिखा है? अवेयरनेस इज लाइट, एज सिंपल एज दैट। जागना मतलब लाइट और इग्नोरेंस इज डार्कनेस, सोना मतलब डार्कनेस, अंधेरा। बस ये बार बार दिखेगा तो ये बातें याद आती रहेंगी, क्योंकि वीडियो तो आपने एक बार देखी दो बार देखी फिर भूल गए हफ्ते बाद, लेकिन ये लगा रहेगा तीन महीने बाद भी, तो क्या होगा? बार बार याद दिलाने का काम करेगा। अब देखो मोबाइल है, हमारे ध्यान को भटकाने की सबसे बड़ी जड़ क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर। ये टूल है, ये गलतफहमी है कि इसकी वजह से हमारा ध्यान भटकता है। इस टूल को हम कैसे यूज करते हैं उसका सारा खेल है। आग है ना, आग से हम जला भी सकते हैं और एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोबाइल में आप हर एक घंटे में रिमाइंडर लगाओ, बी अवेयर, अवेयरनेस इज लाइट, हर एक घंटे में। क्या होगा? टूल बन गया वही मोबाइल एक, जो आपको तंग कर रहा था, आपको डार्कनेस की तरफ लेकर के जा रहा था, वही आपको लाइट की तरफ ले जाएगा। दिमाग लगाओ कौन कौन से टूल्स को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, कहां पर आप ऐसा क्या करना चाहते हो जिसमें आप किसी टूल को यूज कर सकते हो अपने ध्यान को उस काम में लगाने के लिए। और जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं किसी भी फील्ड में, आप ध्यान से देखोगे वो किसी ना किसी टूल को यूज कर रहे हैं। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जितना आप ध्यान रखते चले जाओगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। सोचने के टाइम पे सोचना है, खाने के टाइम पे खाना है, चलने के टाइम पे चलना है, भागने के टाइम पे भागना है, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग है, जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, जब अपनी वाइफ के साथ में लड़ रहे हैं तो सिर्फ वाइफ के साथ में लड़ रहे हैं।
अवेयरनेस का मेरे ख्याल से जो ये IAS के एग्जाम होते हैं जैसे उनके इंटरव्यू क्वेश्चन जब आते हैं शायद अवेयरनेस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उनको चाहिए होती है जब वो पूछते हैं आपकी शर्ट में कितने बटन हैं आपके पीछे वाली दीवार का रंग क्या है जो सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे एब्सोल्युटली कहाँ नहीं चाहिए आप ये बताओ कहाँ नहीं चाहिए लोग बात करते रहते हैं जिंदगी भर रेस जीतने की काम में किसी भी चीज़ में एजुकेशन में पढ़ाई में जॉब में इधर उधर बिजनेस में वो ये नहीं समझ पाते कि कोई भी लड़ाई होती है ना जिंदगी की वो लड़ाई तो दो मिनट की होती है फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स है तो कंपटीशन तो दो मिनट का है दो मिनट की रेस है लेकिन उसकी तैयारी कितने सालों से होती है 10 साल से होती है कुछ लोग सोचेंगे यार ध्यान लगा करके सीढ़ियां चढ़ने से क्या हो जाएगा अरे आपकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा इससे क्या होगा जब आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे अगर इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे एक महीना भी मैं ज़्यादा नहीं कहता एक महीना भी अगर लग करके आप उसके एक महीने बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे आप देखना आपका अवेयरनेस लेवल कैसा होगा सामने से क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर पहले ही तैयार होगा तो इस तरीके से करके इसकी कोई लिमिट नहीं है आप कहाँ तक ले जा सकते हो अपने ध्यान को कहाँ तक बढ़ा सकते हो कोई लिमिट नहीं कुछ नहीं करना क्या है ये नहीं सोचना कि मुझे वहाँ पहुँचना है फिर अटक जाओगे क्योंकि वहां नहीं पहुंचते हुए दिखे तो फिर छोड़ दोगे ना वहां नहीं पहुंचना आज जहां पर भी हो आपका ध्यान जिस भी लेवल पे है चाहे यहां है चाहे यहां है चाहे यहां है चाहे यहां है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ थोड़ा सा और बढ़ाओ बढ़ाते बढ़ाते आप उस लेवल पे आ जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे अपने माइंड पे अपने थॉट्स पे और फिर आप जो चाहोगे वो कर पाओगे जिस थॉट को पकड़ना होगा आप पकड़ोगे चूज करना होगा चूज करोगे छोड़ना होगा छोड़ दोगे फिर आप वही करोगे जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होगा आप चाह करके भी कुछ बुरा नहीं कर पाओगे मतलब इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा सबको होगा पूरी की पूरी दुनिया को होगा इसीलिए मैं ये सेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आप तक नहीं रहेगा ये फैल जाएगा अवेयरनेस फैलती है एक मेरी अवेयरनेस बढ़ी तो अकेले मेरी नहीं बढ़ी मेरे थ्रू और भी लोगों की बढ़ रही है और जब उनकी बढ़ेगी तो सिर्फ उनकी नहीं बढ़ेगी उनके थ्रू और भी लोगों की बढ़ेगी उनके आसपास में लोगों की बढ़ेगी और बढ़ते 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 ये फैल जाए चारों तरफ फैल जाए अब आ जाते हैं हाईएस्ट लेवल पे ये था सेकंड लेवल माइंड का हाईएस्ट लेवल है सोल के लेवल तो अगर आप इस लेवल पे जाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है वो है मेडिटेशन और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं क्योंकि अगर सोल के लेवल पे काम करना है बाकी जितना भी काम है माइंड का बॉडी का वो सब बाहर हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन बाहर हो रहा है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है लेकिन जो सोल के लेवल का काम है उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा आंखें बंद करनी पड़ेगी मेडिटेशन करनी पड़ेगी और कितना आसान है मेडिटेशन करना लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन आप लोगों ने देखी हुई है सब ने देखी हुई है उसको देख करके सिंपल उसको प्रैक्टिस करना शुरू करना है करना क्या है दिन में 10 मिनट भी करें 15 मिनट भी करें तो बहुत है वहाँ से जो पावर्स बढ़ेंगी वो बियॉन्ड है और अगर मेरा बस चले तो सबसे पहले मैं मेडिटेशन को कंपलसरी कर दूंगा इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वहाँ पर सिर्फ 15 मिनट का एक ऐसा पीरियड होना चाहिए डेली हर स्कूल में और हर कॉलेज में जहाँ पर इस अवेयरनेस के बारे में कुछ बात की जाए बजाय उनको रट्टू तोता बनाने के उनको एक ऐसा इंसान बनाया जाए बजाय उनको रोज़ एक मछली खिलाने के लिए उनको मछली पकड़ना सिखाया जाए ताकि जिंदगी भर के लिए उनका पेट भर जाए बजाय नॉलेज की एक एक मछली रोज देने के उनको ये समझाया जाए कि मछली पकड़ते कैसे हैं कि इस नॉलेज की मछली को पकड़ा कैसे जाता है वो ध्यान की पावर्स है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो भी वीडियो में मेरे को देख रहे हैं अपने एंड पे मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा और आप लोगों से मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर हो सके तो अगर आप में से कोई टीचर है पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में है उनको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को जिस लेटर के अंदर आपको ये लिखना है कि जो मेडिटेशन है उसके बारे में आप कहीं से भी कोई भी आर्टिकल उठा सकते हो अब तो साइंटिफिक इतनी स्टडीज़ हो गई है मेडिटेशन के ऊपर जिसकी कोई हद ही नहीं है मतलब हज़ारों स्टडीज़ है कि 20 मिनट की जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की नींद के बराबर है सोच करके देखो अगर 2 सेशंस के बीच में एक स्कूल में या कॉलेज में एक 20 मिनट का मेडिटेशन का सेशन आ जाए तो उनकी सोचने समझने की शक्ति सीखने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी बच्चों की लाइफ बदल जाएगी और आपको क्या करना है लेटर में लिख करके कि वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट अ मेडिटेशन सेशन इन योर स्कूल इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स एक स्कूल में हज़ारों बच्चे हैं कितने टीचर्स हैं कितने पेरेंट्स हैं मैं कहता हूँ अगर 10 लेटर भी पहुंच गए ना एक प्रिंसिपल के हाथ में वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा
और उनको बोलो कि अगर आप सब बच्चों के लिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सिक्स स्टैंडर्ड से ऊपर वालों के लिए कर दो, सिक्स के लिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं टेंथ से ऊपर वालों के लिए कर दो, करो तो सही, करो तो सही। और आई एम 100% श्योर कि अगर हम सब लोग अपने एंड पे इतना छोटा सा भी स्टेप उठा लेंगे, सिर्फ ये लेटर लिखने का, जिसकी मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि सिर्फ एक लेटर लिख करके उस स्कूल में हम पहुँचा देते हैं, तो अगर आधे स्कूल्स भी, जितने स्कूल्स हैं इंडिया में, उसके आधे स्कूल्स भी अगर इसको शुरू कर देते हैं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। मैं लिख करके दे सकता हूँ कोरे कागज़ में। थोड़ी सी विजन को लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, टेम्पररी सॉल्यूशंस की बजाय परमानेंट चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ 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 लगाओ, तो ध्यान को लगाना किसी ने सिखाया नहीं तो ध्यान लगेगा कैसे? ऊपर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनका ध्यान लग रहा है, क्या मतलब है? हो सकता है उनका पढ़ाई में लग रहा है, इसका म्यूजिक में लग रहा है, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक म्यूजिक वाले को और पढ़ाई वाले को, जबकि दोनों की अपनी लिमिटेशंस है। जिसका पढ़ाई में लग रहा है उसने पढ़ाई में तो लगा लिया, म्यूजिक में नहीं लगा पाया, उसने म्यूजिक में लगा लिया पढ़ाई में नहीं लगा पाया। अरे हमको करना है कि ध्यान का लेवल बढ़े, अवेयरनेस का लेवल बढ़े, कि वो बच्चा जब चाहे अपने पढ़ाई में ध्यान लगा सके, स्पोर्ट्स में ध्यान लगा सके, म्यूजिक में ध्यान लगा सके, किसी भी एक्टिविटी में ध्यान लगा सके, और जब वो उस एक्टिविटी को कर रहा है उस समय वो बाकी सारी एक्टिविटीज से ध्यान हटा सके। ये सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर ऐसे बच्चे आगे आएंगे तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे, वो कुछ अच्छा ही करेंगे अपने अपनी फील्ड में, बुरा चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जागे हुए होंगे, सोए हुए नहीं होंगे। तो हमको उनको जगाना है, और सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को जगाना है, पहले पेरेंट्स को जागना है। कहीं पेरेंट्स ये नहीं उठा करके बच्चे पर डाल दें, बेटा तू जाग, चले वीडियो को देख और जागना शुरू कर। अरे तुम्हें भी जागना है, सबको जागना है, बच्चों को जागना है, पेरेंट्स को जागना है, टीचर को जागना है, प्रिंसिपल को जागना है, सबको जागना है। जितने ज़्यादा लोग जागते चले जाएंगे वो सोसाइटी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी, उतनी ही रहने लायक होगी। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब तक मैंने जो भी कुछ कहा है अगर उसको एक लाइन में समअप करना हो वो ये है कि अगर आप अपनी अवेयरनेस को टेम्प्ररी बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं तो बॉडी के लेवल पे काम करो। मतलब कि आपकी जो हदें हैं, हर आदमी की एक हद होती है, एक लिमिट होती है जहां तक वो जा सकता है, जिसके अंदर एक दायरा होता है जिसके अंदर वो काम कर सकता है। आपकी सोच का अपना एक दायरा है, आपकी स्किल्स का अपना एक दायरा है, आपकी नॉलेज का अपना एक दायरा है, आपके एक्सपीरियंस का अपना एक दायरा है। जब तक वो दायरा नहीं बढ़ेगा तब तक आप नहीं बढ़ सकते, एज सिंपल एज दैट। तब तक आप मांग सकते हो कि मैं बढ़ जाऊं बढ़ जाऊं बढ़ जाऊं, मांगने से कुछ नहीं होने वाला, उस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, उस हद को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर तो आप अपनी इस हद को, जो भी आपकी हद है जिस भी लेवल पे, चाहे वो इतनी है इतनी है इतनी है, उसको टेम्प्ररी बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं तो बॉडी के लेवल पे काम करना है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन टेम्प्ररी। बॉडी में जब एक्टिविटी करी लेवल बढ़ा, एक्टिविटी बंद हुई लेवल गिर गया, दो दिन के लिए एक्टिव हुए ठीक हो गया, दो दिन के लिए फिर एक्टिव नहीं हुए गिर गया। टेम्प्ररी बेसिस जरूरी है लेकिन टेम्प्ररी। अगर इसको परमानेंट बढ़ाना है तो माइंड के लेवल पे काम करो। अगर अपनी हदों को परमानेंट बेसिस पे बढ़ाना है तो माइंड के लेवल पे अवेयर होना शुरू हो जाओ। जितना आप अवेयर हो जाओगे आपके माइंड की जो हदें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप दुनिया की सारी हदों को तोड़ करके आगे निकलना चाहते हो, वहां जाना चाहते हो जहां पर कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी आत्मा के स्तर पर काम करो, अंदर जाना होगा। यहां से शक्ति मिलेगी उस माइंड को कंट्रोल करने की, और एक बार आप जाकर के इस अवेयरनेस में मर्ज हो गए उसके बाद में कोई हद नहीं, कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ना नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ भी पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल।